इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि साइन ऑफ होल पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू की वैल्यू क्या होती है। चलिए सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, लेट सम वेरिएबल वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। अब यहां पे हम साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू को अलग से कंसिडर करेंगे। ये साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू क्या है? साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू एक एंगल है, तो लेट सम एंगल थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। अब यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि साइन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, जिसमें माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो है माइनस पाई बाई टू से ग्रेटर और इक्वल टू एंड लेस एंड इक्वल टू पाई बाई टू। मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो पाई बाई टू से बड़ी नहीं हो सकती और थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाई टू से छोटी नहीं हो सकती। अगर ऐसा देखा जाए तो ये तभी संभव हो सकता है जब एंगल थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे। मतलब अगर थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई जाती है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई जाती है, इसी कंडीशन में थीटा माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में लाई कर सकता है, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में पाया जा सकता है। तो थीटा का इस रेंज में होना ये तभी संभव होगा जब थीटा की वैल्यू या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, चलिए यहां पे कंसिडर करते हैं। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अब यहां पे एनालाइज कीजिए, देखिए साइन फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, साइन फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा कहां पे लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्योंकि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता, थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जाता तो साइन थीटा पॉजिटिव होता, लेकिन साइन थीटा तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब यह हुआ कि थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पाया जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर सकता। अब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, और उसकी जो साइन फंक्शन की जो वैल्यू है वो है माइनस वन बाई टू। ये कब संभव है? ये संभव है दो केसेस में, कि या तो थीटा की वैल्यू जो है वो हो टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स या फिर थीटा की वैल्यू हो माइनस पाई बाई सिक्स। अब थीटा की वैल्यू अगर टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स हुई तो ये तो बन जाएगा इलेवन पाई बाई सिक्स, टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स होगा इलेवन पाई बाई सिक्स, और इलेवन पाई बाई सिक्स जो है वो पाई बाई टू से बड़ा है, तो यहाँ पे 11 पाई बाई 6 का कोई चांस नहीं है, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि 11 पाई बाई 6 इस रेंज में नहीं आता। अब बात करते हैं माइनस पाई बाई 6 की। हाँ, माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 2 से छोटा है और माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है, तो थीटा की वैल्यू होगी माइनस पाई बाई 6। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन पाई बाई 6, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स। फिर चलते हैं, ये थीटा कौन था? थीटा था साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू की वैल्यू है माइनस पाई बाई सिक्स। साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू है माइनस पाई बाई सिक्स। याद रखिएगा, जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे मिलेगा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई थ्री माइनस माइनस ऑफ पाई बाई सिक्स। चलिए लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई थ्री माइनस माइनस पाई बाई सिक्स, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू की वैल्यू क्या है? माइनस पाई बाई सिक्स।
थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे, ये बन जाता है y इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स, y इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई टू साइन 90 डिग्री, दैट इज 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें फाइंड आउट करना था वो था साइन ऑफ पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बाई टू, उसकी वैल्यू आई 1।